नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर झांसी से। आज हम जो अपनी श्रृंखला चला रहे हैं उसमें मैं ये बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे हम लोग अपना आईवीएफ का खर्चा कम कर सकते हैं, बिकॉज आईवीएफ बहुत ही कॉस्टली अफेयर है। एंड कॉस्टली इसलिए है क्योंकि इसमें सारे जो शरीर के काम होते हैं वो शरीर के बाहर किए जाते हैं। एम्ब्रियो हम बाहर बनाते हैं, उसके बाद अंदर रखते हैं, इसीलिए थोड़ा कॉस्टली है ये। तो अब हमारा ये है कि हम खर्चा कम कैसे कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक अच्छा सेंटर चुनें, है ना। आप कोई भी पॉम्प एंड शो पे ना जाएं। आप ये मत देखें कि बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत लाविश है। उसकी बजाय आप ये देखें कहाँ के रिजल्ट्स अच्छे हैं। आप कभी भी सेंटर पे विज़िट करेंगे, आपको कुछ पेशेंट्स मिलेंगे आईवीएफ के कंसीव, उससे आपको पता पड़ता है कि हाँ यहाँ पे रिजल्ट्स कैसे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके रिजल्ट्स जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे रिजल्ट्स कैसे हैं। सेकंड जो हमारा कॉस्ट कट करने का तरीका होता है वो होता है पैकेजेस लेना। तो अगर आप जैसे क्योंकि क्या होता है आईवीएफ में हम लोग एम्ब्रियोज बना के रखते हैं, अच्छा खासा मैच्योरिटी के बाद रखते हैं, स्टिल 100% नहीं होता कि प्रेगनेंसी आ जाएगी। तो एटलीस्ट आप ये करिए कि आप वहाँ का ये पता करिए कि वहाँ पे पैकेजेस कौन कौन से हैं। कोई भी हिडन कॉस्ट तो नहीं है। आप डॉक्टर से हर चीज़ डिस्कस करिए कि आप इक्सी का अलग से चार्जेस लेंगे, आप लेज़र हैचिंग का अलग से चार्जेस लेंगे, आप फ्रीज़ करेंगे तो उसका अलग से चार्जेस लेंगे। एंड अगर पैकेज है तो वन साइकिल का कितना है, दो साइकिल का कितना है। तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि आपका अगर आपका दो साइकिल का पैकेज है, आपकी उसमें फ्रीजिंग भी हो रही है या नहीं, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। आप डॉक्टर से हर चीज़ बिल्कुल क्लियर करने के बाद फिर स्टार्ट करिए। कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं लगती है। आपके आसपास आपको लगता है जो भी सेंटर्स हैं यू कैन जस्ट विजिट एंड आप सब जगह के पैकेजेस पहले पता करिए, उसके बाद यू डिसाइड कि आपको कहाँ आईवीएफ कराना है। थर्ड थिंग इज़ कि वहाँ जहाँ आप आईवीएफ करा रहे हैं वहाँ की लैब की कंडीशंस कैसी हैं। तो लैब तो ऑब्वियसली आप विजिट नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर जो सेंटर्स ब्लास्ट ट्रांसफ़र करते हैं इसका मतलब होता है उनकी लैब अच्छी है क्योंकि उनके यहाँ ब्लास्ट बन रहे हैं, अदरवाइज ब्लास्ट फॉर्मेशन बहुत कम होता है। तो और ब्लास्ट फॉर्मेशन, ब्लास्ट ट्रांसफ़र जो होता है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी आने के। तो आप कोशिश करिए आप ऐसे सेंटर पे कराएं जहाँ पे ब्लास्ट ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब कि आपके जब बच्चे अंडे निकाले हैं डे वन के बाद डे फाइव या डे सिक्स आपका ट्रांसफ़र हो, उसके पहले अगर होगा तो वो ब्लास्ट ट्रांसफ़र नहीं होगा।